वेलकम टू प्यारा इंडिया फ्रेंड। बिहार मदरसा बोर्ड द्वारा स्थानीय की परीक्षा जो कि 6 मार्च 2024 से शुरू होने वाली है, उसका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। कैसे डाउनलोड करना है इस वीडियो में माध्यम से आप लोगों को बताएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें जिससे कि सारी जानकारी आप लोगों को मिल सके। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले बिहार मदरसा बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा, जिसका लिंक कॉमेंट बॉक्स में हम पिनअप कर देंगे, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट आ जाइएगा। जैसे ही लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर आएगा, और यहाँ पे आने के बाद आप लोग को नीचे स्क्रॉल करके आना है, और यहाँ पर देख सकते हैं स्थानीय एग्जाम डमी रजिस्ट्रेशन एडमिट कार्ड लिंक दिया गया है यहाँ पे न्यू। इस सिंपल से ब्लू कलर वाले लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो कुछ देर वेट करना है, उसके बाद फिर से इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर आप लोग को मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि दिया गया स्थानीय जो कि 8वीं कक्षा के समान होती है, इसका यहाँ पे डमी एडमिट कार्ड है। यानी कहने का मतलब ये है कि आप लोग इस एडमिट कार्ड को सिर्फ डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं कि इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। अगर कोई मिस्टेक रहता है तो इसमें अभी ही सुधार करा सकते हैं, अन्यथा बाद में आप लोग को सुधार नहीं होगी। तो यहाँ पर अपने नाम या डेट ऑफ बर्थ या आपका जो भी जेंडर वगैरह किसी भी तरह के मिस्टेक हो तो सुधार ज़रूर कर लें। और इस डमी एडमिट कार्ड को लेकर आप एग्जाम देने नहीं जा सकते, इस बात को ध्यान में रखना है। जो ओरिजिनल आपका एडमिट कार्ड है वो मदरसा से मिलेगा, जो कि 3 से 4 मार्च तक आप लोग मदरसा में मिलना शुरू हो जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप लोग को लाना है। मगर यहाँ पे आप लोग को डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करके ज़रूर चेक कर लेना है। डमी रजिस्ट्रे एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट रिफ्रेश आईडी मांगा जा रही है, जिसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, और उसके बाद नीचे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दिया गया है। तो डेट ऑफ बर्थ में देखिए सबसे पहले डेट डालना है, जैसे कि अगर आपका 5 तारीख का डेट ऑफ बर्थ है तो 05 करके डालिएगा, अगर महीना 3 है तीसरा महीना है तो 03 डालिएगा, इस प्रकार से डालना है, ठीक है। उसके बाद ईयर भी पूरा डालना है, उसके बाद सिंपल से इसमें बिना स्पेस के डाले हुए आपको पब्लिश पर क्लिक कर देना है। जैसे पब्लिश पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोग का एडमिट कार्ड डाउनलोड होकर आ जाएगा, उसको देखकर सेव कर लेना है। अभी मेरे पास किसी स्टूडेंट का नहीं है जिसको करके दिखाएं आप लोगों को, मगर यहाँ पे सिंपल से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो टेलीग्राम का लिंक या इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से फॉलो करके हमसे बातें करके अपना डाउनलोड करवा सकते हैं, हम डाउनलोड करके आप लोग को भेज देंगे। अब देखिए यहाँ पर न्यूज़ में कुछ बातें दी गई है, उसको भी देख लेते हैं कि न्यूज़ में इसके बारे में क्या दिया गया है। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये प्रभात खबर पटना का न्यूज़पेपर है आज ही का, तो इसमें दिया गया कि बिहार मदरसा बोर्ड के स्थानीय जो कि 8वीं बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की डमी एडमिट कार्ड शनिवार को जारी कर दिया जाएगा। बोर्ड की ओर से राज्य के विभिन्न कमिश्नरी के मदरसों में 1 से 3 मार्च तक एडमिट कार्ड वितरण किया जाएगा। यहाँ पे ये बात कहा गया, जितने भी कमिश्नरी में आते हैं अलग अलग कमिश्नरी को बुलाया गया है, मदरसा जो भी आते हैं जाकर अपना एडमिट कार्ड लाएंगे, कब तक 3 मार्च तक। उसके बाद आप लोगों को मदरसा में 4 मार्च से मिलना शुरू हो जाएगा सभी मदरसा में। उसके बाद यहाँ पर डेट दिया गया कि जैसे कि तिरहुत प्रमंडल में कब जाना होगा, दरभंगा प्रमंडल के जो है वो कब जाकर अपना लाएंगे, तो ये मदरसा वालों को जानना जरूरी है आप लोग के लिए। यहाँ पे कोई बात स्पेशल नहीं रखा गया। यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में रखना है कि 6 मार्च से आप लोगों को एग्जाम चलेगा जो कि 10 मार्च तक चलेगा। और एक बात खास ध्यान में रखना है कि 8 तारीख को जुम्मा का दिन पड़ रहा है, इस दिन में ही आप लोगों की परीक्षा होगी, ठीक है। इस पर हम वीडियो बनाकर आप लोगों को बता चुके हैं, जो कि 3 बजे से आप लोगों की परीक्षा होगी, एक पेपर होगा जुम्मा के दिन भी। तो नमाज़ पढ़ने के बाद आप लोग को एग्ज़ाम देने भी जाना होगा 8 मार्च को, इस बात को भी ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए टोटल बच्चे अगर देखा जाए तो 1,23,000 इस बार स्थानीय की परीक्षा में शामिल होने वाले बच्चे। और मौलवी की यहाँ पर बारे में दिया गया कि मौलवी की जो परीक्षा हाल ही में हुआ था मौलवी और फोकानिया का, उसका भी कॉपी जांच शुरू हो चुका है, जो कि 29 फरवरी तक कॉपी जांच किया जाएगा। उसके बाद मार्च के अंतिम लास्ट तक रिजल्ट भी इसका जारी कर दिया जाएगा, जो भी बच्चे फोकानिया और मौलवी की परीक्षा दिए थे। तो यहाँ पे जो भी बातें इंपॉर्टेंट दी गई थी आप लोगों को हम बता चुके हैं, और जिन लोगों को अभी तक टाइम टेबल नहीं मिला है तो टाइम टेबल और वीडियो अवेलेबल है, जाकर आप लोग देख सकते हैं। 6 मार्च से जो एग्ज़ाम होगा उसका टाइम टेबल का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा कि किस दिन आप लोगों को कौन सा पेपर होगा। और साथ ही साथ पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, स्थानीय का सारा क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन जो है दिया गया है, चैनल पर अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में जाकर वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड वीडियो में बस इतना ही, वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने शेयर करें। थैंक यू।